फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ख़राब कैन की मदद से एक वाटर पंप बना के दिखाऊंगा। नॉर्मल जो वाटर पंप होती है उन्हीं के साथ जो मोटर जुड़ी होती है साथ में, लेकिन इस वाली वाटर पंप को हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। जो मोटर होगी उसे हम थोड़ा सा दूर में फिट करेंगे और पंप को नीचे की साइड में। तो इसे किस तरीके से बनाना उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक देखना। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करना ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत देखने मिल सके। तो यहाँ पे मैंने कैन के आगे वाला सिरा काट लिया है और इसी का कैप मैंने कुछ इस तरीके से काट लिया है। अब इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो बाइक का स्पीड वाला वायर होता है वो मैंने ले लिया है, क्योंकि इसके अंदर जो केबल होती है वो यहाँ पे घूमती है और इसी को मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो मैंने एक पीवीसी पाइप ले लिया है और उसके कुछ पीस कट कर लिए। इनका मैं यहाँ पर जो वाटर पंप का फ़ैन होता है वो मैं यहाँ पर बनाऊँगा। तो आपको कुछ इस तरीके से सभी पीसों को इंस्टा ग्लू की मदद से चिपका लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप इसमें एक पेन भी यूज कर सकते हैं मोटर को केबल के साथ जोड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो स्क्रू ड्राइवर का पीछे वाली बॉडी होती है उसे मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे छेद कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक MTF बोर्ड के ऊपर मैं मोटर को सेट करूँगा पत्ते की मदद से। तो आपको भी कुछ इस तरीके से मोटर को फिट कर लेना है। मैं यहाँ पे एक DC 775 मोटर यूज कर रहा हूँ, तो इसे मैंने कुछ इस तरीके से स्क्रू की मदद से सेट कर दिया है। वैसे मैंने स्क्रू से यहाँ से चिपका दिया है। तो यहाँ पर जो मोटर का कनेक्शन है वो कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो केबल का दूसरा वाला साइड है तो उसे हम यहाँ पे वाटर पंप की बॉडी में फैन के साथ फिट करेंगे। तो इसे मैं M-Seal की मदद से सेट करूँगा। तो आपको भी M-Seal इसमें यूज करनी है, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी सेट हो जाती है और ये बाद में निकलती भी नहीं और ना ही इसमें से पानी लीकेज होता है। तो यहाँ पे लगभग मैंने सारी फिटिंग कर ली है और इसके बाद में इसका जो आगे वाला सिरा है उसे हम चिपका लें। देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो फैन है वो ईजिली यहाँ पर घूम रहा है। इसका फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पाइप की एक सॉकेट ले ली है और इसी को मैंने बीच में से काट के इसके एक L बना ली है यहाँ पर। वैसे हम जो वाटर पंप है उसके ऊपर वाली साइड में फिट करेंगे M-Seal की मदद से। तो इसमें हम अलग से पाइप जोड़ सकते हैं। तो इसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका लास्ट वाला कैप है उसमें हम छेद करके उसे भी सेट कर लेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स, आपको बीच में एक छेद नहीं करना है, इसमें आपको जाली टाइप का यहाँ पर छेद करना है ताकि इसके अंदर जो कूड़ा होगा वो भी यहाँ पर नहीं जाएगा इसके अंदर, और इसका जो फैन है वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो मैं इस पर कलर कर लिया है। तो इसके बाद मैं आपको फाइनली चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारी वाटर पंप है वो वर्क कर रही है। आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके साथ एक पाइप जोड़ लेता हूँ और आपको फाइनली चेक करके दिखा देता हूँ। आप इसे 12 वोल्ट के अडैप्टर या बैटरी से इजीली चला सकते हैं। चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वाटर पंप है वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत देखने मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।